बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और जी हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे, और पहुंच चुके नहीं, रात को सो के उठ चुके हैं। वो भी बता, हाँ जी वही, रात को सो के उठ के अपनी जगह पे खड़े भी हो चुके हैं। तो जी माशाल्लाह से हम सुबह खड़े हैं, हाँ जी तैयार श्यार होके खड़े हो चुके हैं। तो कहाँ रुके हैं ये भी आपको लोगों को बता देते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनके यहाँ रुके हैं, और जो इलाका हमने विजिट किया है वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में दिखाएंगे कि हमने कल कौन कौन सी जगह देखी और किस मकसद से देखी, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप पहले हमारे साथ इलाका विजिट करें और देखें कि भाई हम लोगों ने कौन कौन सी जगह देखी है, और यहाँ की आपको सारी खूबसूरती भी दिखाएंगे। तो चलते हैं व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप बोलें जी कैमरे के पीछे वाले अपने। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो बढ़ते हैं। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और एक लाइक भी ठोक दें शेरी की तरफ से। शेरी और सुरेश बड़े मिस कर रहे हैं, वैसे उनको अच्छा किया हम नहीं लाए, क्योंकि यहाँ हम काफी जगह पे गए और बहुत ही आप लोग देखेंगे कि भाई बारिश की वजह से जगहों की हालत क्या हुई थी और सफर कितना मुश्किल था। तो चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते, आप लोगों को प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा सर्दियों का मौसम इंजॉय करते हैं, करवाते हैं गर्मियों में। हम भी हैरान रह गए कि गर्मियों में हमने सर्दी के मौसम का मजा ले लिया, ये भी किस्मत वालों को मिलता है। तो आप लोग भी किस्मत वाले बनिए और ये किस्मत पूड़ी खोलिए। वो किस्मत पूड़ी मिलती थी ना बाजार से, उसको खोलते थे उसमें से इनाम निकलता था, उसका नाम होता था किस्मत पूड़ी। ये भी वही किस्मत पूड़ी बन गई कि हम लोग गर्मियों में चले हैं और सर्दियों में पहुंच गए सिर्फ एक ही दिन में। तो ये सफ़र जल्दी कट गया गर्मी से सर्दी की तरफ। तो आप भी आइए हमारे व्लॉग देखिए और गर्मी में सर्दी का लुत्फ लीजिए। अच्छा जी, अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस से और भाई साहब हमारे साथ हैं। ये हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनके रिश्तेदार हैं जो लाहौर में रहती है। तो आप भी हम ना भाई आपके रिश्तेदारों के साथ हैं और हमें फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये एरिया आपका हम घूम रहे हैं और देखते हैं जी। अभी हमें तो मतलब खूबसूरत लगा सरसब्जा जी, और सीन भी आगे देखते हैं मज़ीद। तो जो भी प्लान बनेगा इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जिस मकसद के लिए निकले हैं, दिल तो बड़ा कर रहा है कि ना हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो खैर अभी रश है, यहाँ पे चलते हैं मेन मार्केट, वहाँ पर इसका घर है। सही, ये सारा एरिया इसने खरीद के ना वो तो से आपको दिखाएंगे कि इसने मतलब ये सारा पहाड़ खरीदा है और पूरा बनाया हुआ है सेटअप। इसमें अंदर आप जाएं तो अंदर उसने मतलब के अच्छी नस्ल के घोड़े, बैल, मतलब के कोई दुनिया का पौधा ये देखे ना बनाई हुई है उसने, मतलब के इसमें हर चीज़ आपको मतलब उसने दुनिया का कोई पौधा नहीं है जो यहाँ नहीं लगाया उसने। फिर पैसे की बात होती है ना, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से उसने करना। ये देखे ना उसने अभी लोगों को ये पहले नहीं तो कौन पहाड़ कोई भी नहीं खरीदा। हाँ, नहीं ऐसे अभी इसी बंदे ने आकर लोगों को शौक दिया। अच्छा जी, तो अभी हम एक जगह पर पहुंच चुके, सर्दियों में पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे की धुंध है। तो धुंध है इस एरिए में, और हमारे एरिए का तो आप लोगों को पता है जैसा की वहाँ पे तो शदीद अभी गर्मी है, लेकिन मैजिक डोर से गुजर के ना हम सर्दियों में आ चुके हैं। तो बस इसी इलाके में ही हम घूम रहे हैं। अब आपको आगे कोई दरख्त वगैरह तक नजर नहीं आएगा, इतनी धुंध है यहाँ पे ना। तो खैर इसी जगह पे कहीं हम आपको सरप्राइज भी करेंगे, बस आप वेट करें, हम भी इसी वेट के चक्कर में। रास्ते में ऊंट आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं जाना। उतरो मिलो इनसे, गले लगा। हाँ जी, हाँ जी, तो हम आ चुके हैं जी आगे, जगह देख रहे हैं। असल में जगह कैसी है? गांव सिक्की है, सिक्की गांव। हाँ और माशाल्लाह से अच्छा ना मौसम के, मैं आपको बताऊं तो ये अभी भी हमने नहीं बताना कि हम कहां पे हैं। हाँ। और हमने ये सरप्राइज तब ही खुलेगा जब इसका कोई फाइनल होगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल। तो खैर अभी यहाँ पे देखें ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और लेकिन एक सीन है कि आज धुंध इतनी है ना, सामने ये पहाड़ है। हाँ। आप लोग गर्मी में और हमारे बैग पे देखे आपको सर्दी नजर आएगी, ऐसे दिखाओ ना बैग पे। ये देखे पीछे हमारे सर्दी का, और आप लोग अब
सोचें कि आप लोग गर्मी में बैठे हैं, कैसे नसीब है आपके और हमारे नसीब देखे जलाल हो ना, जलाल जलालने के चक्कर है, जो जलेगा ना उसने कमेंट्स में लिख के कहना है। और तो जल गई, यहाँ पे नीचे पानी है, चश्मा इधर से ना बह रहा है, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये भाई साहब हम दिखा रहे हैं। अभी चलते हैं नीचे, और दरख्त ग्रीनरी काफ़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ज़बरदस्त जगह है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं चश्मा आता है ना पानी का, तो बड़ा बेहतरीन, गर्मियों में भी मौसम बेहतरीन है, नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह। तो पानी देखेंगे, ये बारिश का पानी है मेरे ख्याल में, और ये सड़क के ऊपर से गुजर रहा है, इसी का शोर था जो ऊपर हमें से। खैर जी, हमारा बड़ा मूड है कि आप लोगों को बहुत सारे सीन दिखाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ, लेकिन अभी हम खुद से देख लें और इलाका भी विजिट कर लें अच्छी तरह, अभी हम खुद तो रज लें हाँ। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे, मूड तो यही है कि पक्का पक्का आप लोगों को दिखाने का, तो देखते हैं जी। वो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली मसला ये बना खड़ा है कि धुंध इतनी है कि बस हमें भी नहीं नज़र आ रहा, तो आप लोगों को तो शायद बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होगा। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं सीन क्या है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और, जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये देखो ये ना केला है, केले के बाग हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ हम एक जगह पे रुके हैं, बहुत प्यारा नज़ारा है इस जगह का। इस जगह के क्या नाम है ये? तो इसका नाम आड़ा भी है, और ये कि ये सिक्की झील झील के पास है, तो बहुत मशहूर झील है। हाँ जी, तो बहुत सरसब्ज पहाड़ है, मैदान है, ये फुल मैदान है एक, और यहाँ पे फसल कोई उगाई हुई है। अब ज़्यादातर यहाँ पे गंदम और मूंगफली है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हम आपके घर पहुंच चुके हैं, तो माशाल्लाह से हमें बहुत पसंद आया आपका घर और गांव भी। पानी शानी पी लिया यहां पे, पड़ा पानी भी पी लिया है और सब मिले भी हैं। तो नहीं माशाल्लाह से बहुत प्यारा गांव है, जिस तरह आपने कहा था ना, और जो आपका इलाका है, बल्कि सारी जगह जो जो आपने नाम ली थी, सारी बहुत प्यारी हैं, और इतनी प्यारी हैं कि हमने नारान कगान और कश्मीर भी गए, हमने कहीं भी ऐसे नहीं देखी। और हकीकतन ये नहीं कि भाई हम कोई वो कर रहे हैं, वाकई बहुत प्यारी। आपको कैसी लगी? अच्छी। हाँ जी, तो माशाल्लाह से वो कहते हैं ना कि भाई जो आपने कहा हर्फ ब हर्फ वैसे ही था। और हम आपके घर आ चुके हैं, ये देख लीजिए बैठे हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। आपके घर के बाहर जो वो ग्राउंड बना हुआ है जिसमें भैंसे फिरती थी, वो भी जाते हुए आपको हम दिखाएंगे, आपको याद आ जाएगी दोबारा से। तो आंटी के दूसरे घर आए हैं, यहाँ एक अमरूद का दरख्त भी है, और इसके अमरूद पक जाते हैं। हमारे जो अमरूद लगे हुए ना, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों पड़ते हैं। और ये मेरे खाने पका हुआ है, नहीं नहीं कच्चा कच्चा और ये घर है, देखिए कितना प्यारा है ऐसे हम भी ऐसा ही बनवाएंगे ना। हाँ हाँ, रंग बिरंगा। अच्छा जी, तो जिस काम हम आए हुए थे ना, हमारा खाना आ चुका है, खाना खा लो भी फिर आए। ये सलाद
और यहाँ पे रोटियां जी, ये रोटियां जी, और इधर बेगम है, बेगम। और अब हम खाना खाने लगे हैं। और अभी हमें रात हो चुकी है यहीं पे, और हम अभी एक चोटी की टॉप पे हैं, मतलब पहाड़ी के टॉप पे हैं। हाँ जी, चोटी की टॉप पे, टॉप चोटी और टॉप एक ही होती। और माशाल्लाह से यहाँ से आप व्यू देखेंगे कितना ग्रीन, लश ग्रीन, जबरदस्त। थोड़ी सी यहाँ ये फील्ड है, हाँ मैं काफ़ी ना टाइम हो चुका है, लाइट्स वगैरह तो आपको नज़र आ रही हैं सामने, वो ऑन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब हमें लेके आए ये सिर्फ व्यू दिखाने के लिए। ये भाई साहब, तो आज की चाय हमारी इन भाई साहब के घर में है, तो यहाँ से देखें माशाल्लाह कमाल, जबरदस्त, बहुत ही ग्रीन एरिया है, जबरदस्त है। ये देखें जी, ये एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, वो जो लाइट नजर आ रही है, हाँ हाँ वहाँ हम गए। अच्छा अच्छा, हम वहाँ पे गए एंड पे, लाइट नजर आ रही है, तो माशाल्लाह से जी।